दोस्तों स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। IDFC फर्स्ट बैंक में लगातार हम लोगों को तेजी बनता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर, उसमें हम लोगों ने एक टारगेट प्राइस भी दिया था। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ से एक जबरदस्त तेजी अभी भी बनता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली शेयर कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि या फिर सोच सकते हैं कि खरीदारी करना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। और ये जो शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक का, इसमें अभी क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर। वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, कहीं पर स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का आप देख सकते हैं जो इसका 52 का हाई प्राइस था, आप यहाँ पे समझिए जो इसका 52 का हाई प्राइस था उसमें से 93.26% शेयर का जो प्राइस है गेन हो चुका है। मतलब इसका जो पहले का एक लो प्राइस था उसमें से 93.26% गेन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टॉक में जो रिटर्न देखने को मिला है। एक दिन के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में 1.50% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वन वीक के अंदर 2.50% का रिटर्न दिया है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर ने। और वही बात करते हैं वन मंथ के अंदर 0.50% का या फिर 0.5% का जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है एक बोल सकते हैं कि ऐसा चल रहा है कि कुछ दिन से जो लगातार इसमें एक तेजी बन रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है, अंडर रेडर में है, अंडर रेडर में है फिलहाल अभी ये शेयर। और इस स्टॉक का IDFC फर्स्ट बैंक का एक टारगेट प्राइस भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है, जो हम लोग आगे शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ से ये शेयर एक रिटर्न भी दे सकता है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो है 65/100, वैल्यूएशन 59/100, मोमेंटम 48.10/100। अभी इसका थोड़ा इसको समझते हैं जो IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर इसके 6 महीने के अंदर क्या चल रहा है इसमें, तो आपको इसमें जो और क्लियर डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर स्टॉक का जो एक हाई प्राइस बनाया था लगभग 62 रुपीज़ के ऊपर पहुंच गया था ये शेयर, और उसके बाद यहाँ पे इसने एक लो प्राइस बनाया था दोस्तों 6 महीने के अंदर, जो 56 यहाँ पे जो एक लो प्राइस बनाया था 53 रुपीज़ के नीचे ये शेयर पहुंच गया था। तो ये शेयर अभी यहाँ से एक बाउंस बैक दे रहा है, मतलब 52-53 रुपीज़ के बाद ये शेयर जो एक बाउंस बैक अभी दे रहा है। तो टेक्निकली स्टॉक में देखते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक में जो एक हाई प्राइस बनाया है वो है 56.25 पैसे का। तो अगर आप अभी ये शेयर खरीदते ही है तो बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस रख के नहीं चलना है। और यहाँ पे जो एक लो प्राइस बनाया था वो है 53 रुपीज़ का, एक हफ्ते का अंदर का जो लो, एक वीक के अंदर का जो लो प्राइस था इसका वो था 53 रुपीज़ का। वही बात करते हैं दोस्तों जो इसका एक महीने के अंदर हाई प्राइस बनाया था वो था 60.35 पैसे का, लो प्राइस बनाया था 53 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे 3 महीने के अंदर जो इसने एक लो प्राइस बनाया है वो है 52.30 पैसे का, एंड जो हाई प्राइस बनाया है 64.30 पैसे का। तो आपको जो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना है 52-53 के आसपास। और फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में एक तेजी बनता हुआ दिख रहा है। आप अगर स्टॉक का दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर। टेक्निकली अगर देखते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल लेवल पे है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई ये शेयर ना कि ओवरसोल्ड जोन में है ना कि ओवरबॉट जोन में है। अभी MACD इंडिकेटर आप देख सकते हैं, MACD का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक का वो फिलहाल अभी बेयरिश लेवल पे है। तो बेयरिश पैटर्न ये बना रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर, ये MACD कह रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम की बात करते हैं, जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है वॉल्यूम में, तो आप देख सकते हैं कि जो एक दिन का वॉल्यूम है यहाँ पे BSE एंड NSE मिला के वो है 28.60 मिलियन का वॉल्यूम है। डिलीवरी परसेंटेज 34.90% का है। वन वीक का वॉल्यूम 29.50 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 36.90% है। एंड वन मंथ का वॉल्यूम 29 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज तो 34.50% का है। तो दोस्तों एक दिन का जो यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम जो इसका BSE एंड NSE मिला के वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा है, 28.60% के आसपास है। अभी यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है IDFC फर्स्ट बैंक का, तो बहुत बार जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान देना हो रहा मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि उसके प्रोमोटर्स क्या कर रहा है। आइडिया कोई भी कंपनी का जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो उसका प्रोमोटर्स क्या कर रहा है, उसमें स्टेक बेच रहा है, बढ़ा रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर मतलब अगर देखेंगे तो उसका जो मैनेजमेंट IDFC फर्स्ट बैंक का हमेशा ऐसे ही मजबूत है। मैनेजमेंट का हमेशा ही बोल सकते कि देखते हैं कि
बैंक IDFC फर्स्ट बैंक को कैसा मजबूत बनाया जाए। और दोस्तों अगर अभी तक देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का हर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया पोस्ट करता है IDFC फर्स्ट बैंक। अब एक चीज यहाँ पे है, आपको जो है डिविडेंड वगैरह IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में देखने को नहीं मिलता है, रिटर्न भी एक थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत है IDFC फर्स्ट बैंक का। अभी यहाँ पे प्रमोटर्स का देखिए, 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में जो स्टेक था प्रमोटर्स के पास वो था 36.47% का। और वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में हुआ है प्रमोटर्स का जो स्टेक था 36.38% कर दिया, मतलब 36.47% से स्टेक जो है घटाया है और अभी 36.38% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। पब्लिक के पास 30.17% का स्टेक था 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में और पब्लिक के पास जो अभी स्टेक है 30.01% का। तो पब्लिक ने जो यहाँ पे शेयर थोड़ा जो स्टेक थोड़ा है कम किया है। अभी FIS जो है तो FIS के पास दोस्तों आप देख सकते हैं अभी अगर देखेंगे तो 19.28% का स्टेक था, तो FIS ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 19.76% का स्टेक कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 9.98% का स्टेक था, अदर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे 9.83% का स्टेक कर दिया है। एंड म्यूचुअल फंड के पास 4.09% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे कम किया है, 4.01% का स्टेक कर दिया है। तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पे दोस्तों स्टेक थोड़ा कम किया है। वही बात करते हैं जो है इसका मौका उठाया है FIS ने मौका उठा के स्टेक यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया है। एंड म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा स्टेक कम कर दिया है, अदर इंस्टीट्यूशन जो है अदर इंस्टीट्यूशन ने भी स्टेक कम किया है। तो फिलहाल यहाँ पे जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और आप देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है 68.14 पैसे का। तो 68.14 या 15 पैसे का आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे, तो 68.15 पैसे का जो एक टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है यहाँ पे एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है। और यहाँ पे आप बाई करने के लिए जो है ज्यादातर जो एनालिस्ट है वो लोग कह रहे हैं, अभी इसके पहले जो एक टारगेट प्राइस देखने को मिला था वो था ICICI सिक्योरिटीज से। ICICI सिक्योरिटीज जो एक ब्रोकरेज फर्म है उन लोगों ने टारगेट प्राइस दिया था उसके पहले वो था 59 रुपीज का। तो 59 रुपीज के आसपास अभी ये शेयर बनता हुआ दिख रहा है। आप अगर देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस जो अभी 56 रुपीज से थोड़ा नीचे है, तो 59 के आसपास ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 59 का भी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखना चाहिए टारगेट प्राइस। फिलहाल स्टॉक जो अभी यहाँ पे एक बेयरिश जो है पैटर्न बना रहा है, अगर ये शेयर 56 या 57 के ऊपर जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि 59 या 60 के आसपास एक टारगेट प्राइस रखने का। तो दोस्तों इस IDFC फर्स्ट बैंक में जैसे कि इसके पहले भी जो एक न्यूज हम लोग को देखने को मिला था IDFC फर्स्ट बैंक को लेके, जहां पे IDFC जो है स्टेक बढ़ा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में, उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट भी जो है उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो IDFC जो है यहाँ पे फिलहाल अभी स्टेक बढ़ा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में, और एक बोल सकते फंडामेंटली अगर देखेंगे तो एक अच्छा बैंक है ये IDFC फर्स्ट बैंक। शेयर के प्राइस में देखेंगे तो उतना नहीं हम लोग को तेजी देखने को मिलता है, 55.95 पैसे के आसपास है। अगर ये शेयर थोड़ा और तेजी दिखाता है तो हम लोग एक ज्यादा टारगेट प्राइस चल सकते, नहीं तो छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको जो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। आपको क्या लगता है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।